आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेकमेक टाइम में। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, जो अभी कुछ ही दिन पहले ग्रेजुएशन और डिप्लोमा बेस्ड पे ये पोस्ट आई थी। तो ये रिक्रूटमेंट फॉर डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई है, ये सिविलियन के लिए है जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मतलब आर्मी के इसमें कोई वर्दी ना तो कोई है, इसमें वाइट कॉलर जॉब है। और देखिए ये मेरा एडमिट कार्ड है, मैंने मटेरियल असिस्टेंट जो मैंने डिप्लोमा बेस्ड भी अप्लाई किया था, मेरा डेट एंड टाइम रिपोर्ट जो है हमारा है 6 दिसंबर 2022 6 बजे है, और जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर है वो इलाहाबाद है। सो बेसिकली मेरा डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से, और मेरा डिप्लोमा में 74.46% यानी 74.46% था, और मैं अपना इस पोस्ट को अप्लाई किया हूँ EWS ऐसे करके EWS कैटेगरी से। इसमें जो कैंडिडेट के लिए लेके जाना है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल फ़ोटो लेके जाना है आधार कार्ड के साथ, वोटर आईडी होना चाहिए आपके, या सर्विस कार्ड होना चाहिए, या एम्प्लाई जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट PSUs पब्लिक सेक्टर से जो, या पैन कार्ड हो, या एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज बुक इशू हो वो लेके जाना है आपको। और इसमें क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। और क्या क्या इसमें मेंशन है, चौथा मेंशन है आपका ओरिजिनल मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ़ अदर देन मैट्रिकुलेशन, यदि आपने 10वीं के अलावा आपने उसमें अधिक मतलब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिखाया है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर पे। और इसमें क्या लगेगा, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो भी ST, SC, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए कोई इशू नहीं है। ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर दोज अप्लाइंग अंडर, मतलब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो अप्लाई किया है, जो अप्लाई किया है या जो उसके ESM के अंतर्गत आते हैं, जो MSP के अंतर्गत आते हैं, जो PWBD के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड, मतलब आपने जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसका जब आपने उसमें फॉर्म में भरा है तो उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दिया है, नोट है ये हमारा नोट में सबसे पहले क्या, आल एवं मेंशन डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल एट द रैली साइट विल बी सेम एज पर डिटेल फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाई द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के द्वारा जो भी फॉर्म में फिलअप किया गया था उसी सेम वही जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। नहीं ना कि ये करिए कि हमारा 10th में ये नाम है तो हमने अपना किसी में गलत हो सकता किसी का नाम करेक्शन कराना हो रह गया हो तो आप लेके जाएंगे तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे मेन बड़ी बात है कि आपको सेंटर नहीं दिया, आपका सेंटर सिटी सिर्फ दिया है, तो सेंटर सिटी आपको सेंटर कैसे पता चला किस जगह हमारा है, तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर जो वेन्यू दिखा रहा है, द एग्जैक्ट वेन्यू ऑफ द रैली विल बी डिस्प्लेड एट रेलवे स्टेशन MCO बाई बस स्टैंड ऑफ द लोकेशन ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर गिवन अबव, जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, एग्ज़ाम सिटी दी गई है अबव में ऊपर में, तो आप जाके उस सिटी के रेलवे स्टेशन या उस सिटी के बस स्टैंड पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ आपको आपके टेस्ट का वेन्यू बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट इस सेंटर पे है, या आपको आर्मी कैंप में लेके जाएंगे वहाँ टेस्ट कराएंगे आपका, वो उन पर डिपेंड करता है, वो आपका बताएंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।